सभी को ओम। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कपालभाति क्रिया के बारे में बताया था। एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि कपालभाति प्राणायाम है, प्राणायाम नहीं है, वो क्रिया है। और इसको हम षट क्रिया में देख सकते हैं। षट कर्मा जो है उसका भी हम आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। षट कर्मा जो गैरंट संहिता में बताया गया है तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम भस्त्रिका के बारे में बात कर लेते हैं कि कपालभाति से ये मिलता हुआ है भस्त्रिका, तो वो कैसे है, क्या करते क्या है इसमें। तो इसमें आप सीधे बैठ जाएंगे, पीठ सीधी रहेगी, कंधे ढीले रहेंगे, स्पाइन इरेक्ट। अब इसमें आपको कपालभाति के जैसे ही स्ट्रोक्स देने हैं। स्ट्रोक कहाँ से देंगे आप? नेवल के नीचे से देंगे, नेवल के नीचे से देंगे, लेकिन आप उसमें फोर्सफुली देंगे। कपालभाति में तो आप क्या कर रहे थे? ऐसे कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे आप? मतलब ऐसे कि बिल्कुल अंदर से सारा कचरा बाहर निकले आए, अंदर कुछ भी नहीं रह जाए, सारा कब बाहर निकल जाए। तो इस तरह से ये होता है भस्त्रिका प्राणायाम। मैं आपको एक कंप्लीट पूरा राउंड बता देता हूँ जिसमें 20 स्ट्रोक्स हमको करने होते हैं। तो उसको आप देखेंगे ध्यान से कि पूरा एक राउंड कैसे होता है। थोड़ी देर अपने ध्यान लगाएंगे, जब ब्रेथ नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद वापस से हम इस चीज़ को शुरू कर देंगे। सेकंड राउंड के लिए अगेन सेम प्रोसेस। अभी मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा, आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह से कैसे करना है। कि फर्स्ट राउंड मैंने कंप्लीट आपको दिखा दिया है, 20 स्ट्रोक लगाए मैंने। 20 स्ट्रोक लगाने के बाद मैंने एक डीप एक्सहेल करने के बाद मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेनी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से मैंने इनहेल किया और राइट से मैंने छोड़ा। इसको करेंगे कितना आप? 20 स्ट्रोक करिए शुरू में, ऐसे इस तरह से 20 स्ट्रोक करिए। 20 स्ट्रोक करने के बाद जो लास्ट का स्ट्रोक होगा उसको फोर्सफुली दीजिए। फोर्सफुली देने के बाद इस तरह से नासिका मुद्रा बनाएंगे, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से पूरा इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे। फिर कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, क्योंकि क्या होता है हमारे ब्रेन में केमोरिसेप्टर्स होते हैं। अब वो केमोरिसेप्टर क्या करते हैं कि हम जब भस्त्रिका कर रहे थे या कपालभाति कर रहे थे तो हमारे जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वो हमारे ब्लड में बढ़ गई और CO2 की मात्रा कम हो गई। क्यों? क्योंकि हमने सारी CO2 बाहर निकाल दी है, फोर्सफुली हमने बाहर निकाल दी है CO2। अब सिर्फ O2 रह गया है हमारे में, O2 का लेवल बढ़ गया, CO2 बाहर गया, CO2 का लेवल कम हो गया। तो केमोरिसेप्टर क्या करेगा, तब तक उसको एक्टिवेट रखेगा जब तक कि वो दोनों बैलेंस ना हो जाए, जो हमारा नेचुरल है वो बैलेंस ना हो जाए, क्योंकि हर चीज़ में बैलेंस चाहिए होता है। तो वो बैलेंस नहीं हो जाएगा वो, तब तक आपको ऐसा फील आएगा कि आपकी सांस थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है। इसलिए आपको कुछ सेकेंड, 2, 3, 5 जितना आपको फील आए कि अभी सांस रुकी हुई है, आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ऑटोमेटिकली नहीं जा रही, आपको रुकी हुई है, यहाँ पे आपको रोकनी नहीं है, आपको बस देखना है, अवेयरनेस रखनी है कि वो रुकी है या नहीं रुकी है, ठीक है? तब आप इस चीज़ पे ध्यान लगाएंगे। फिर जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसके सेकंड राउंड की तरफ बढ़ेंगे, फिर अगेन वही चीज़ करेंगे। तो इसको आप शुरू कर सकते हैं 5 राउंड के साथ, 7 राउंड के साथ, धीरे धीरे फिर इसको बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आप 11 राउंड या 25 राउंड या 51 राउंड इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से नहीं करना है। और जो लिमिटेशंस हैं इसकी, वही सेम कपालभाति की हैं, वही सेम जो इसके बेनिफिट हैं वही इसमें भी बेनिफिट है। मतलब कपालभाति और भस्त्रिका दोनों ऐसे समझ लो कि भाई भाई हैं, बस इसमें अंतर ये है कि थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, डीप एक्सहेल करना है और फिर लास्ट में आपको इस तरह से लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है, फिर वापस से अनदर राउंड। तो इस तरह से आप करिए भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम
उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनका हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको बिल्कुल नहीं करना है ये। अगर आपको हार्ट बर्न हो रहा है या एसिडिटी हो रही है तब भी आप इसको ना करें। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में कुछ बातें, और आगे हम बात करेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही, ओम।